तो देखिए, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताने वाले हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो फॉर्म आया है इसमें आप लोग का कट ऑफ कितना जाएगा और कौन कौन से क्वेश्चन, कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना कट ऑफ रहता है, कितना टाइम आपको दिया जाता है, सारा डिटेल्स हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि इसमें सैलरी, अगर आप लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल बन जाते हैं तो आपको सैलरी कितना दिया जाएगा, पूरा डिटेल्स ए टू जेड हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो मेरे चैनल के माध्यम से चाहिए तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए आपके पास 10+2 होना अनिवार्य है, चाहे कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे साइंस हो, आर्ट हो, या फिर बायोलॉजी हो, या फिर मैथमेटिक्स हो, कोई भी स्ट्रीम हो आपका होना चाहिए, 12th कंप्लीट होना चाहिए। जैसे आपका 12th कंप्लीट हो जाता है तो इस फॉर्म को आप फिल करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, राइट। अब दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि इसमें कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये हम आपको बता दें, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल है इसमें 4 खंड में टोटल आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला सामान्य ज्ञान होता है, उसके बाद से सामान्य हिंदी, और उसके बाद से मैथमेटिक्स, और उसके बाद से रीजनिंग। 4 पार्ट में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको हिंदी करना है तो हिंदी कीजिए, या फिर इंग्लिश करना है तो इंग्लिश कीजिए। टोटल ये जो आपका पेपर होता है वो 100 नंबर का पेपर होता है। 100 नंबर का पेपर आपका 120 मिनट में आपको करने रहते हैं, यानी कि 2 घंटे का आप लोगों को टाइम दिया जाता है, यानी कि 120 मिनट आपको दिए जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है, यानी कि 100 नंबर के आपके क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। बाकी दोस्तों, हम आपको बता दें निगेटिव मार्किंग की, तो इसमें 0.20 आपका निगेटिव मार्किंग होता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, कम से कम आपको 30% लाना अनिवार्य रहता है। उसके बाद से जैसे आपका ये कंप्लीट हो जाता है तो आप फिजिकल के एलिजिबल हो जाते हैं। फिजिकल कंप्लीट हो जाने के बाद से आपका मेडिकल होता है, मेडिकल हो जाने के बाद से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सारा प्रोसेस होता है। सारा प्रोसेस हो जाने के बाद से आप एक पुलिस कांस्टेबल बन जाते हैं बिहार में। बाकी दोस्तों, हम आपको बता दें बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो इस बार फॉर्म आया है, करीब 20 से 25 लाख स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, राइट। 20 से 25 लाख इस फॉर्म के लिए स्टूडेंट अप्लाई करेंगे। बाकी मैं पिछले साल के कट ऑफ की बात बारे में आपको बता दूं तो पिछले साल का जो कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी के लिए वो आपका 76 मेल के लिए था एंड 74 कट ऑफ फीमेल के लिए गया था जनरल कैटेगरी में, राइट। उसके बाद से इसमें ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के लिए 68 आपका कट ऑफ था मेल के लिए, 62 आपका फीमेल के लिए कट ऑफ गया था। एससी के लिए यहां पे 68 कट ऑफ था और फीमेल के लिए यहां पे 46 एससी कैटेगरी में, राइट। उसके बाद से यहां पे एसटी के लिए हम आपको बता दें तो एसटी के लिए यहां पे जो कट ऑफ गया था बहुत ही लो कट ऑफ गया था एसटी के लिए। बाकी ईबीसी के लिए यहां पे जो कट ऑफ है वो 72 गया था मेल के लिए और फीमेल के लिए 60 कट ऑफ गया था। तो इस तरीके से सिलेक्शन पिछली बार हुआ था। बाकी हम आपको बता दें इस बार भी थोड़ा सा कट ऑफ हाई जा सकता है क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हो गया। तो इसी से आप लोग अंदाजा लगा लीजिए, कोई एक्यूरेट हम नहीं बता सकते हैं कि इतना कट ऑफ जाएगा। जनरल कैटेगरी में मेल के लिए 76 है तो 77 या फिर 78 जा सकता है, कम भी हो सकता है। तो फाइनल कोई अप्रॉक्स आप मान के चलिए कि 75 कट ऑफ जाएगा जनरल के लिए। तो इस तरीके से आप लोग अंदाजा लगाइए और आप लोग कितना प्रिपरेशन कर रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और दोस्तों, हम सैलरी की बात करें तो सैलरी बिहार पुलिस कांस्टेबल में 25,000 से लेकर 30,000 के बीच में सैलरी दिया जाता है बिहार पुलिस कांस्टेबल को। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा, यानी कि 1 साल के बाद से सैलरी आपकी बढ़ा दी जाएगी, 2 साल के बाद से सैलरी आपकी बढ़ा दी जाएगी, 3 साल के बाद से आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सैलरी दिया जाता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कर जरूर से आइएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।